पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कृष्ण मुरारी का कहना है कि न्यायाधीश और वकील न्याय प्रणाली की गति में तेजी लाने का संकल्प लें, न्याय के लिए वकील और जज एक साथ काम करें। चीफ जस्टिस कृष्ण मुरारी आज सोहना के अंबेडकर चौक पर बने नवनिर्मित न्यायालय परिसर के उद्घाटन पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे और इसी दौरान वो लोगों को और अधिवक्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने परिसर का उद्घाटन तो किया ही, वहीं वकीलों और जजों से न्यायालय परिसर को स्वच्छ रखने की भी अपील की। आपको बता दें कि सोहना में बनाया गया न्यायालय परिसर 15 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। परिसर में वकीलों के लिए 159 चैम्बर भी बनाए गए हैं, जिनका उद्घाटन खुद मुख्य अतिथि ने किया। वहीं उद्घाटन के मौके पर पहुंचे बिल्डिंग कमेटी के चेयरमैन न्यायाधीश महेश ग्रोवर ने कहा कि उन्होंने सोहना को करीब से देखा है। गुरुग्राम के पास होने की वजह से सोहना की अहमियत को 4 चांद लग गए हैं। महेश ग्रोवर ने वकीलों को संबोधित करते हुए अपील भी की कि अदालत की इस इमारत की सही तरह से देखभाल करें। तो यहाँ पे मेरा काफी आना जाना लगा रहता। बचपन में हम यहाँ पे कुछ पहाड़ थे जो मेरे को मालूम नहीं अब एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। उन पहाड़ों पे हम खेला करते थे, इसलिए मुझे इस शहर की बहुत सुहावनी यादें हैं। और अब मैं इतने साल बाद जब इस शहर में आया हूँ तो मुझे देख के बहुत खुशी हुई है कि शहर एक जो सोना एक कस्बा सा होता था छोटा सा, आज एक बड़ा शहर बन गया है। और इट्स प्रॉक्सिमिटी टू गुड़गांव, गुड़गांव के पास होने की वजह से इसकी अहमियत को 4 चांद लग गए हैं। ये बिल्डिंग जो आपको आज हमने अपने सारे ऑफिसर्स आर्किटेक्ट्स उनकी और चीफ जस्टिस साहब की मशक्क़त से मेहनत से जो आपके सामने आज इनॉग्रेट हुई है, मेरी आपसे सिर्फ एक ही दरख्वास्त है कि इस बिल्डिंग को आप इसका सही इस्तेमाल करें। डोंट लेट इट बी कन्वर्टेड इनटू एन आईसोर। आप वकील साहिबान अपने चैम्बर्स में बैठेंगे, एक डिग्निफाइड वे से अपने आप को यहाँ पे कंडक्ट करेंगे, लेकिन इस बिल्डिंग को आप ही ने संभाल के रखना है। ये मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलता है उसे अपना समझ कर, उसे एक मंदिर समझ कर उसे साफ रखिए और अच्छा रखिए। मुझे ऐसा बताया गया है कि इसके पहले सोहना में न्यायिक अदालतें अस्थायी रूप से प्रदान किए गए किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में काम कर रही थी। मैं पूरी तरह से हरियाणा राज्य की PWD आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट और हमारे हाईकोर्ट की बिल्डिंग कमेटी द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करता हूँ और इस तरह के कम समय में सभी आधुनिक आधारभूत संरचनाओं के साथ इस शानदार इमारत को पूरी करने के लिए दिल से बधाई देता हूँ। मुझे बताया गया है कि यह परिसर 4.43 एकर्स में बना है, जिसमें 16 न्याय कक्षों का प्राविधान है, जिसके लिए हरियाणा सरकार ने 21.68 करोड़ की प्रशासनिक अनुमोदन दी थी, किंतु वर्तमान में आवश्यकताओं को देखते हुए 8 कोर्ट रूम्स का ही निर्माण किया गया है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 15 करोड़ है। अभी हमने जैसा कि यहाँ घूम के देखा, यह सुंदर परिसर अत्यंत आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है और सभी कोर्ट रूम्स एयर कंडीशन है। वकीलों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए परिसर के साथ लगभग 1000 स्क्वायर यार्ड से ज्यादा जगह ईयरमार्क की गई है। सत्य खबर के लिए सोहना से संजय राघव की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।